ये देख रहे हो, ये मैं हूँ, एक सफेद कुत्ता। वैसे तो मेरा रंग सफेद है, लेकिन मैंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कांड करके बैठा हूँ। इतना ज्यादा कांड करके बैठा हूँ कि इस पूरे घर में तुम देख सकते हो, मेरा बहुत बड़ा घर है। इसमें मैं अकेला हूँ और मैं खुद की शक्ल नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा कांड किया। जानना चाहते हो? चलो बता ही देते हैं, बहुत इमोशनल कहानी है। एक मिनट, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा ले। तो ये बात है सन 1995 की, जब मैं मात्र 3 महीने का था। मेरे पास दो ऑप्शन था, नहीं एक मिनट, थोड़ा वाइट कर लेते हैं इसको पहले। हाँ, अब बिल्कुल सही है। तो मेरे पास दो ऑप्शन था अपने मालिक को चुनने का, एक जो घर में रह के अपना एक बड़ा बिजनेस संभालता है, और दूसरा जो ज्यादातर ट्रैवल करता है। तो मेरे पास देखो, मैं ज्यादा ट्रैवल करना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं चुनता हूँ एक बिजनेसमैन जो घर में रह के काम करता हूँ। तभी एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। मुझे बहुत जोर की सुसु आई थी और मैंने अपने मालिक के घर के गार्डन में ही कर दिया था। ये बात मेरे मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो मुझे डेली बाहर सुसु करवाने के लिए ले जाने लगा, और साथ ही साथ जितने रास्ते में हड्डी मिलते वो सारे में खाता गया। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि मुझे बाहर सुसु करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी एक दिन की बात है, मेरे मालिक को कुछ गुंडे मारने लगे और मैं शांति से देखता रहा। मैं बचाया तक नहीं क्योंकि ये लोग मुझे सुसु करवाने के लिए बाहर लाते थे, इसी वजह से मैंने उसको मारते हुए देखता रहा। शाबाश बेटा। तो अब मैं अपनी कहानी को अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। तो चलो यार, आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल सी अपने शहर में तबाही, वो भी अपने फ्रेंड के साथ में मिलके। तो ये देखो, ये मेरा फ्रेंड है और अब हम दोनों मिलके इस शहर में पूरा तबाही मचाने वाले हैं। तो क्या लगता है तुमको, आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है? तो फटाफट यार, तुम लोग को पिछले वाला कहानी अगर पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक करो, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो फटाक से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो अभी देखो, इस शहर में मैं बिल्कुल अकेला तो नहीं हूँ, मेरे पास फ्रेंड है, लेकिन मुझे यार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं, मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की भी शक्ति है। तो आज हम इस गेम में कुछ खतरनाक वाली चीजें करने वाले हैं। बहुत हो गया दुख भरी कहानी, और अब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है। तो मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ यार, वो गया किधर साला? तो देखो, मैं गलत जगह पे आ गया, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मुझे कुछ खाना ढूंढना है, लेकिन मिले? अबे यार, यहाँ पे तो चूहा है। एक मिनट, पहले इस चूहे को मारते हैं। देखो अबे मर बे, हाँ मर गया, और मुझे कुछ पावर्स मिलता है यार मारने के बाद। चलो फटाफट, जितने सारे चूहे मैं सबको मारने वाला हूँ अभी, आ जाओ तुम भी। अबे कहाँ जा रहे हो? देखो मेरा दोस्त किधर गया यार, साला कुत्ता की नहीं, मैं भी कुत्ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चूहा यहाँ पे, चलो इसको ठिला लेते हैं पहले। अबे मर बे, कितनी, हाँ तू ये भी मर गया। देखो इस शहर में बहुत सारे चूहे हैं जिसको कि मैं मार नहीं सकता, लेकिन मैं अपने दोस्त से मरवा सकता हूँ जरूर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मुझे दिखा लोमड़ी, लोमड़ी इधर ही कहीं है। देखो मैं उससे पंगे ले सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है, क्षमता है कि मैं लोमड़ी को मार सकता हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले किधर है यार? हाँ यहाँ पे दो दो लोमड़ी, पहले इससे पंगे लेते हैं यार, इसको तो मैं अकेले मार दूंगा। अबे दोनों क्यों आ रहा है? अबे देखो ये ना इंसाफी है, बिल्कुल ना इंसाफी है, मैं किससे लड़ूं बे? एक एक करके आओ ना यार, तुम लोग बहुत चलाक हो, दोनों आ यहाँ पे। मेरा दोस्त है, अबे कहाँ था बे? तू था कहाँ पे जब मुझे वो दोनों लोमड़ी मिलके मार रही थी? कहाँ था तू? चल आ जा मेरे पीछे, इस लंबी लोमड़ी को मारते हैं। आ जा बे, जल्दी जाना। हाँ मैं इसको मार रहा हूँ। अबे ये अबे ये लोमड़ा भी आ गया यार, तो मार उसको। हाँ वाओ, देखो ये था ना दोस्ती वाली बात, ये दोस्ती बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलो आगे चलते हैं, कहानी नहीं शायरी बिल्कुल अच्छी थी। अबे यहाँ पे चूहे नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है सिर्फ इस शहर के चूहे को खाली करना। तो फटाफट मैंने इसको मार दिया, और एक देखो अबे क्या कर रहा है आगे, देख एक चूहा भाग रहा है, चलो इसको पकड़ते हैं। पकड़ उसको, चूहा नहीं है तो खरगोश था बे। हाँ तो खैर कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों खरगोश को ठिला दिया, और अब मैं जंगल के तरफ जाने वाला हूँ क्योंकि उधर सामने एक जंगली कुत्ता नजर आ रहा है मेरे को, अपनी बिरादरी का है। लेकिन देखो हमसे ज्यादा ताकतवर इस शहर में कोई ना है, ऐसा कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए, और मेरे पास है और मैं इसको मारने वाला हूँ। तो मार जा बे, अबे मर, अबे। ये साला ओवर कॉन्फिडेंस था मेरा शायद। तो चलो मैं दूसरी बार ट्राई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये डॉग लाइफ सिमुलेटर है यार, देखो क्या दिक्कत है।
मैं फिर से पंगे लेने जा सकता हूँ, तो चलो अपने दोस्त के पास सीधा चलते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ इंसान है, क्या मैं इंसान से पंगे ले सकता हूँ अब क्या? तो एक मिनट, मैं अकेले पंगे लेता हूँ, ठीक है ना? मेरे पास देखो, मैं इससे पंगे नहीं, सबसे पहले यार छोड़ो, मैं अपने दोस्त के पास चलता हूँ ना, कोई दिक्कत ना। अबे किधर था, मार दिया उसको, मार दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं, आ जा, एक काम कर, आ जा, यहाँ पे एक लंबा लुमड़ा दिख रहा है ना, इसको ठिलाते हैं, आ जा। और देखो ये मैं पहला कांड करने वाला हूँ, अपने अकेले के दम पे इसको मारने वाला हूँ, तो चलो आ जाओ। ए लंबा लंबड़ा इधर, लात क्यों मार रहा है? लात से ज्यादा डैमेज पड़ती है मेरे को, मार दिया ना साला। खैर कोई दिक्कत नहीं, देखो मेरा दोस्त उसको ठिला चुका होगा, पक्का गारंटी यार, मैंने उसका हेल्थ देखो आधा से ज्यादा डैमेज कर दिया था। और यहाँ पे देखो ये खरगोश दिखी मेरे को, खरगोश है क्या है, लोमड़ी है, ये फंस चुकी है बेचारी। और ये देख रहो कितने बुरी तरीके से ये फंसी है, क्या है, बिल्ली है क्या, ये शायद बिल्ली है मेरे ख्याल से, कोई भी हो मैं इसको मारता हूँ सीधा। इसको मारने के बाद ना मेरा हेल्थ देखो बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा। अबे कितनी मार खाओगे यार, जल्दी से मर जाओ। पिछवाड़ा दिखा अपना पिछवाड़ा, तेरे लाल कर दूंगा मैं मार मार के। अबे तू क्यों आ रहा है? ये देखो इसको कौन मार रहा था भाई? अबे कौन था यार वो, किधर गया? अबे ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये तो दूसरा वाला था यार, कहीं ये मेरा दोस्त को मार तो नहीं दिया? कहाँ जा रहा? अबे रुक बे, कहाँ है मेरा दोस्त, कहाँ है? और ये तो मेरे घर के तरफ जा रहा है भाई। अबे कब जा? अबे यार ये देखो मेरा दोस्त यहाँ पे सो रहा है। अच्छा इन्होंने साला दूसरी दोस्ती कर ली मेरे ख्याल से। यार देखो यार मैं भी सो लेता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा आराम करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं यार, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थोड़ा सा आराम करना जरूरी है। ये देखो मेरा घर है, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अपने दहलीज पे ही सो रहा था। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो आज कैसा लगा तुम लोगों को वीडियो, कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक करो, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो फटाक से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड बाय, नहीं गुड बाय नहीं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर ब्रो।